नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आज का बड़ा सवाल, क्या एनपीए को कुछ मिलेगा? जानिए वरिष्ठ कर सलाहकार राजीव खंडेलवाल के साथ। कोरोना संकट से मानवता तो बीमार हुई ही है, साथ में बीमार हुआ है उद्योग जगत। देश को और देश के उद्योग जगत को उभारने के लिए सरकार ने जारी किया है आर्थिक पैकेज, यह कहना है वरिष्ठ कर सलाहकार राजीव खंडेलवाल का। हमारे साथ चर्चा में आज उन्होंने बताया कि आर्थिक पैकेज में एनपीए को क्या मिल सकता है और वो अपने व्यापार को कैसे प्रगति की ओर ले जा सकता है। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो हमारी श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम आपको रोज बताएंगे, ये जो केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज जारी किया है, ये एक्चुअली वास्तव में कितने का है, कैसे जारी हुआ है, इसको किस किस को इसमें क्या क्या मिलेगा, इस सारी चीजों को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ उपलब्ध रहेंगे वरिष्ठ कर सलाहकार राजीव खंडेलवाल जी। बहुत स्वागत है आपका राजीव जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। राजीव जी, मैं इसमें ये जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि जो एनपीए हो गए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी सरकार कुछ ना कुछ दे रही है। जी जी जी। ये किस तरह से होगा आर्थिक ये पैकेज किया है जी? जो हमारा उद्योग बीमार हो रहा है कोरोना के कारण, आज भी तो बीमार हो ही रहा है जी, लेकिन उद्योग भी बीमार हो रहा है जी, तो उस बीमारी के इलाज के लिए पैकेज सरकार लाई है। बिल्कुल। जहाँ तक इसमें एनपीए की बात है, मैंने दो बेसिक चेंज किए हैं। उनकी काउंटिंग पीरियड था एनपीए का 90 डेज का था, उसको उन्होंने 120 डेज कर दिया है। ओके, अच्छी रिलीज है। और दूसरा एक और रिलीज जो दिया है, जो ये यूनिट्स हैं एनपीए के अंतर्गत जो हैं, उनको भी उन्होंने नए जो पैकेज में घोषणा किया है 1000 के नए लोन्स के, उसके लिए भी वो एंटाइटलमेंट होंगे। अदरवाइज सामान्य बैंकिंग के इंस्टीट्यूशन एनपीए को फ्रेश लोन नहीं मिलता है जब तक सेटलमेंट नहीं होते हैं। लेकिन इसमें मिल पाएगा क्या? हाँ, इसमें सरकार ने वो पैकेज में उनको कहा है कि इनको भी ये भी इसमें एंटाइटलमेंट है, इसके एनपीए यूनिट होने के बाद भी। तो इसमें इनको जो नया बजट में रखा है, नया पैकेज में, उसके लिए कुछ आधार या कुछ मापदंड बनाए हैं क्या सरकार ने? अभी डिटेल देखने पड़ेंगे उसमें क्या डिटेल बनाया, लेकिन जो एक ऑब्स्ट्रक्शन था बैंकिंग वर्किंग में, जो ऑब्स्ट्रक्शन था कि एनपीए को कोई भी बैंक कोई भी लोन नहीं देती थी, वो उसको उन्होंने इसमें ब्रेक किया है। क्योंकि उनका ये मानना है कि एनपीए के यदि कोरोना काल में मान लीजिए वो एनपीए में आ गए हैं या वो अपने फोर्स को उठाना चाहते हैं, तो उसके भी सरकार ने जब सबको फायदा दिया है, साथ में उन्होंने उनको भी इंक्लूड कर लिया है बजट जो रखा है इसके लिए उन्होंने, उसमें उन्होंने तो इसका फायदा निश्चित रूप से ये अच्छा कदम है सरकार का और ये इसको उन्हें फायदा उठाना चाहिए। कही एक बात, उसकी जो आपने एक बात कही जी, हेलो जी जी, ये तो बात आपकी हुई कि एनपीए को सरकार ने इसमें जोड़ा और देंगे और वो ले सकता है फिर से, लेकिन एक कर सलाहकार होने के उस मतलब हैसियत से आप ये इसको एक स्वागत योग्य कदम कहेंगे या डिजास्टर कहेंगे? नहीं देखिए, डिजास्टर स्थिति को सुधारने का ये रिफॉर्मेटिव एक्शन है। जिस स्थिति जो हो रही है खराब और ये खराब हुई, उसको सुधारने के लिए सरकार ने एक सकारात्मक कदम उठाया है। डिजास्टर नहीं, क्योंकि दो चीजें हैं सरकार के सामने, दो सिस्टम है, एक जो चलती जो गाड़ी है वो रुक रही है, उसको ब्रेक नहीं होने देना है, और जो रुकी हुई गाड़ियां भी हैं उसको भी सरकार ने ये बड़ा 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 अच्छा ये सरकार ने। एक चीज और मैं आपसे जुड़वाना चाहूंगा, इसमें यदि मान लीजिए कोई व्यापार कर रहा है अपना और एग्जिस्टिंग व्यापारी है, मतलब चल रहा है, चालू कंडीशन में है वो व्यापार, और उसी व्यापार के लिए उसने कोई लोन ले रखा था जिसमें वो एनपीए हो गया, तो दोबारा वो उसी व्यापार को फिर से रन करने के लिए ले सकता है या किसी नए व्यापार के लिए लेना पड़ेगा उसे? नहीं, बिल्कुल वो पुराने उसके लिए ले सकता है, अपने को रिवाइवल, ये इससे रिवाइवल प्रोसेस, ये जो है रिवाइवल पैकेज है। जो सरकार का पूरा ध्यान क्या है सर,
आदमी सिक यदि कोई हो गया किसी कोरोना काल में या और किसी कारण से उसको हम रिवाइव कैसे कर सकते हैं, तो उनने ये पहले सिर्फ कोरोना इफेक्टेड लोगों को इनने इसमें प्रोत्साहन नहीं किया है। इसमें सरकार ने बहुत ध्यान रखा है कि एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने उस यूनिट को भी दे दिया जो एनपीए हो गए हैं किसी भी कारण से, उसको किसी क्राइटेरिया में डिवाइड, इसमें कोई क्राइटेरिया डिवाइड किया गया है क्या? अब ये इसकी डिटेल्स देखने तो इसकी डिटेल्स अभी जब आ जाएंगी तो उसको देखने के पढ़ने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि इसमें क्या क्या हमने और इस वक्त लेकिन किरंतु लगाए हैं। लेकिन जो सामान्य जो उनको उस दिन का भाषण था असम का, उसमें बड़ा उन्होंने ये स्पेसिफिक कहा था कि हम एनपी नोट की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उनको वापस उठने के लिए, स्वागत जो कदम होना चाहिए इसमें। जैसे जो दूसरे फ्रेश लोन वो दे रहे हैं 3 लाख करोड़ का जो उन्होंने फ्रेश लोन का बकेट बनाया है वो, उसमें जैसे कोई मॉर्गेज नहीं हो रहा है कोई चीजों में, किसी चीजों में इंटरेस्ट वे इंटरेस्ट भर का इंटरेस्ट छोड़ रहे हैं, वो सब चीज भी इसमें अप्लाई होंगी नहीं होंगी? निश्चित रूप से देखिए, जब ये इस पैकेज के अंतर्गत जो भी लोन मिलेगा तो मैंने दो चीजें हैं, कंडीशन लोन की एक और इंटेगलमेंट कौन, तो जब कंडीशन एक बना दी तो उस कंडीशन को सब पे लागू होंगी चाहे वो एनपी यूनिट या ना हो, और इंटाइटमेंट एनपी आ रहा है तो उस पर भी ये लगना नहीं चाहिए। लेकिन ये सब हो सकता है सरकार एक्स्ट्रा सेफ गार्ड के लिए उसमें उनने कुछ बर्द लगा लो, डिटेल्स उसकी जब आएंगे तो उससे पता लगेगा। लेकिन सामान्य रूप से जब दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं उनने उसमें सिर्फ एक कदम और आगे बढ़ाया है कि हम एनपीओ जो सामान्य रूप से एंटाइटलमेंट नहीं होते हैं उनको भी उनने उसे एलिजिबल यूनिट माना है। जी जी, एक बड़ा कदम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत अच्छे से और विस्तार से आपने ये बात हमको समझाई है। मैं आशा करता हूँ कि शायद हमारे दर्शकों को ये समझ में आएगी अच्छे से और उसे लाभ मिलेगा। कल हम फिर एक नए प्रश्न के साथ, नई चीज के साथ आपके साथ फिर हमारे चैनल पर होंगे, हमारे दर्शकों के साथ होंगे। यही मुद्दा यही होगा आर्थिक पैकेज, इसमें प्रश्न बदल जाएगा, बात बदल जाएगी। धन्यवाद आपका, आपके माध्यम से हम लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है और हम भी समझ पा रहे हैं आर्थिक स्थिति से देश की क्या है और सरकार और नागरिक का एक कंट्रीब्यूटरी दायित्व क्या है, ये आपके माध्यम से लोगों के बीच में जा रहा है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद राजीव। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।